व्हाट्स अप गाइस, फनीएस्ट मीम्स लेके आए आप लोग के लिए। मैच जिसका था मैं फिर भूल गया यार, वो सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो तने भाई की वीडियो है, देखते हैं मजेदार मीम्स। और भैया धोनी की बैटिंग का तो मैं हम तो शुरुआत से ही फैन है, लेकिन हर मैच में एक अलग ही वाइब रहती है। कल भी आए बिल्कुल ऑलमोस्ट, वो कहते हैं ना छू ही लिया था बस जीत को। और कल 200वां मैच था एज अ कैप्टन भी। करते हैं वीडियो शुरू, 1 2 3 एंड लेट्स गो। हल्ला बोल, हल्ला बोल, जो जीती उसी की बोल। वाह वाह वाह, क्या शानदार मैच हुआ है, क्या खूबसूरत मैच हुआ है। केवल माही भाई के कारण खूबसूरत हुआ है और कोई वजह नहीं है। अच्छा? माही भाई को एक बात बताओ, ये यूवी पाजी नहीं है, माही भाई ये यूवी पाजी नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी ऑफ यूवी भाई हैं। इनको 2 डाउन पे लाना बंद कर दो। जैसे आपने वर्ल्ड कप में जब यूवी पाजी बैटिंग करने जा रहे थे आपने बोला था ना आई एम गोइंग मुरली इज देयर, आपको कल भी बोलना चाहिए था आई एम गोइंग ऐश इज देयर, फिर क्या था मैच जीत जाते। माही भाई जिस फॉर्म में है ना, लग रहा है एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी। मतलब जब ये बैटिंग कर रहे थे ना जियो पे लाइव वॉचिंग 2.2 करोड़ हो गई थी। इतनी तो SRH और DC के 3 मैच मिला के भी नहीं है। मुकेश अंबानी ने भी IPL के चेयरमैन को कॉल करके बोल दिया, इस बंदे को यार हर मैच खिलाओ, चाहे एक ओवर बैटिंग करे पर खिलाओ। ऐप का नाम जियो सिनेमा से धोनी धमाका हो जाएगा तो भी चलेगा मुझे। पर ये आदमी 74 के 74 मैच दिखना चाहिए हमें। इनका प्रैक्टिस सेशन भी डाल दो जियो सिनेमा पे, वो भी लोग देख लेंगे। फिर क्या है एलन मस्क, क्या चीज है थारा भाई, मुकेश सबसे रिचेस्ट बन जाएगा। अरे मुकेश भाई आपकी बात समझ रहे हैं, पर वो खुद की टीम से ही एक ओवर से ज्यादा बैटिंग नहीं करते, 74 मैचेस के लिए कहां से लाएंगे उन्हें। वो तो कल मगाला और तुषार देशपांडे को बोलने लगे थे कि जाओ जल्दी से जाके मैच फिनिश करके आ जाओ। वो तो जडेजा ने बोला कि भाई ये लोग तो बॉलर्स हैं, आखिरी बैट्समैन आप ही बचे हो, अब आपको जाना ही पड़ेगा, तब पैड पहन के बैटिंग करने गए हैं वो। राइडू और मोइन अली उसी दोस्त की तरह जो लड़ाई होने पर बोलते हैं अरे टेंशन मत ले तेरा भाई संभाल लेगा, और जब लड़ाई होती है ना तो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं। खुद को स्टंप्स में बैट दे मारना था भाई, हिट विकेट कर लेना था यार, बॉलें सड़ाने से अच्छा तो कर दिया ना ब्लंडर। और भाई लोग भी इतने अजीब है, उनकी अलग ही डिमांड चल रही है संदीप शर्मा से। लास्ट बॉल यॉर्कर क्यों डाला, साले थाला से छक्का खा जाता तो छोटा आदमी बन जाता क्या तू। हमें तो लास्ट ओवर में पूरे टाइम यश दयाल का चेहरा ही सामने नजर आ रहा था, और जिस हिसाब से माही और जड्डू मार रहे थे ऐसा लग रहा था रिंकू सिंह खड़ा है सामने। वो तो अच्छा हुआ गलती से लास्ट 2 बॉल यॉर्कर चली गई, वरना हमारा करियर खत्म, टाटा गुड बाय हो जाता। सैंडी ब्रो बाल बाल बचे हो, इनके जैसे किस्मत वाले होते जिनकी टॉफी रैपर में से एक की जगह 2 टॉफी निकलती है। शिवम दुबे भाई आपको मैच ही देखना रहता है ना तो प्लीज ऑडियंस बन के स्टेडियम से देख लिया करो, ऑडियंस बन क्या हो ना, ऐसे मैच खेल के क्यों तकलीफ ले रहे हो आप। मतलब शिवम दुबे भाई अगर आप ऐसे खेलने लगे ना तो बैटिंग ऑर्डर में तो क्या आपको स्टेडियम में भी नहीं आने देंगे ये लोग। दुबे जी जितना आपका फुटवर्क फुट मूवमेंट रहता है ना उससे ज्यादा मेरा अनइंटेंशनली चेयर पर बैठे बैठे हो जाता है यार। संजू बाबा ने भी मैच के बाद बोल ही दिया था, नो डाटा नथिंग वर्क्स अगेंस्ट MS धोनी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय एंड व्हाट ही कैन डू। अश्विन अन्ना की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने के बाद CSK फैंस का यही कहना था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी बैटिंग तो वहां डूबी जहां अश्विन अन्ना का कदम था। वाह वाह वाह। मीम्स रिव्यू, जवानी में बीपी की गोलियां खाने की नौबत लाएगा क्रिकेट। भाई लास्ट के 4 IPL मैचेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्क्लेमर देना चाहिए कि बूढ़े लोग ना देखें। ऋषभ पंत, संजू सैमसन, इतना कंसिस्टेंट खेलने में तो मेरा मुंह निकल जाएगा। क्या मीम बनाते हैं यार। RR बॉलर्स, हे भगवान काव्या प्रीति और धनश्री को तो मैं अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस थाला को आउट करा दो। धनश्री को तो भाभी की नजर से ऑलरेडी देखना चाहिए था तुम्हें। RR बॉलर्स ये कैसी विश मांग रहे हो। CSK फैंस, आफ्टर ईच विकेट फॉल टिल थाला कम्स टू बैट, माही भाई जल्दी आ जाया करो, ये लोग बद्दुआ दे दे के सारे प्लेयर्स का फॉर्म बिगाड़ देंगे। CSK वर्सेस RR, बुकीज टुनाइट, हमारा मैच। कल भी अच्छा खासा फंसा भाई, पता नहीं किसने कितने छापे होंगे। मोइन अली टुनाइट, मोइन अली भाई खाना खाने के बाद पानी की जगह तेल से हाथ धो के आ गए थे, बिल्कुल ही बॉल नहीं चिपक रही थी। तुषार देशपांडे अंडर MS धोनी ने इनको होटल रूम में जाके अच्छे से समझाया कि देख दीपक चहर इंजर्ड है, अब से तू ही मेरा दीपक है मेरे भाई। लेट्स गो ट्रेंड बोल्ट, ये यूजी भाई कभी नहीं सुधरेंगे। ना डरे ना जिम करे, यूजी हूँ बेटा, लड़के को लड़की बना दू जब मन करे। यूजी भाई का इंस्टाग्राम बंद करा RR वालों पहले तो। संजू सैमसन इन एवरी IPL सीजन आफ्टर फर्स्ट 2 मैचेस, अरे मैं तो थक गई भाई साहब। संजू बाबा की ये आदत है कि स्टार्टिंग के IPL में एकदम जोश के साथ आते, 100-100 मार देते थे पिछले सीजन भी स्टार्टिंग के मैचेस में, और फिर धीरे धीरे। रविचंद्रन अश्विन अगेंस्ट हिज होम टीम टुडे, अश्विन अन्ना CSK। भाई CSK के फैंस ना एक टाइम पे जैसे अश्विन अन्ना विकेट लेते तो तालियां बजाने लग रहे थे, पर उनको फिर बाद में समझ में आया अबे ये तो राजस्थान में है बे, फैंस वाचिंग IPL मैचेस फ्रॉम द लास्ट 3 डेज।
डर का माहौल हो रहा है। कल भी हालत हो गई, तो मैं ऐसे ही बैठी थी बिल्कुल सच में भाई। अब एक तो यार कल का मैच भी ऐसा हुआ ना कि मेरे को तो डाउट ही जा रहा है। ये लास्ट बॉल तक ले जाने वाले आईपीएल थ्रिलर्स किसी दिन मेरी मौत का कारण बने। सच में कल बताया भाई कैसे थोड़ी देर के लिए वहां डैश 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 राजस्थान रॉयल्स ने डाला भाई। ये शास्त्री जी फेमस हो रहे मीम से। कॉनवे डिस्पाइट नोइंग दैट दुबे इज नॉट आउट ऑन दैट हेल्पिंग कॉनवे भाई ने बताया नहीं, दुबे को बोला कि हाँ हाँ आउट है ब्रो, एम्पायर सही बोल रहा है, मत ले डीआरएस। सीएसके फैंस एक्सप्लेनिंग मी व्हाई सीट्स आर एम्प्टी एट चेपॉक स्टेडियम। समझ गया, ठीक है समझ गया। आरसीबी फैंस टू डीके, देख ऐसे करते हैं कीपिंग। मैं तो बोलता हूँ सीएसके वालों कीपिंग कभी मोइन अली से करा के देखो, मोइन अली भाई आग लगा देंगे। सीएसके वर्सेस आर भाई कंपेयर भी किससे कर रहे हो यार, इससे तो मत करो एटलीस्ट। आमिर खान की जगह एक बार प्रोड्यूसर ने मोहम्मद आमिर को फोन लगा दिया तो वहां से आवाज आने लगी बाबर 40-45 40-45। मैच विन नहीं चाहिए दुबे जी, हम तो थाला की इनिंग से काम चला लेंगे। चला लो भैया। ये ऐसी फिनिशिंग एबिलिटी के साथ भी 8 नंबर पे बैटिंग करना एक दिन चेन्नई के एलिमिनेशन की वजह बन जाएगा। योर फेस विन एक छक्का ना मार पाने की वजह से मैच हार जाए। गंभीर भाई कल देख रहे ले होंगे मैच। हाँ भाई तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। क्या मतलब नो जयदेव नाटकट नो पार्टी, जयदेव नाटकट भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। बटलर T20 फॉर्मेट मेरी आंखों में तो देखो, थाला को फिनिशिंग सिक्स लगाने से रोकने का घमंड है। गाइस टू बी फ्रैंक ना, कल का मैच की जो चर्चा आरआर की जीत से ज्यादा, कल मैं कैसे बैठी थी लास्ट उसमें ये भी ऐसे टेंशन में, अबे यार मेरे को भी कुछ का टेंशन सी हो रही है उसमें। ब्लैंकेट में ना ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही थी बार-बार कि क्या होगा जो लास्ट। सच में देख मतलब मुझे लग रहा है जितने उससे मैंने ये वाला आईपीएल देख लिया ना ऐसे खतरनाक इतना, खासकर आखिरी 3-4 मैच लास्ट के अभी बहुत गजब हो गया। कैसे बैठे होते हो बस सब हो गया है। और इस वो सोच के जो ग्राउंड में बैठे होते हैं कल देखा तो था वो कैसे ऐसे करके बैठे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। एक वो बढ़िया मीम था जिसके अंदर अक्षय कुमार लगाया था ना सी जब भी विकेट गिरते ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं और धोनी आएगा वो चीज। और भाई अच्छी बैटिंग भी करी लेकिन वही मैच हारने का कारण साफ साफ है कि बीच में बहुत ही स्लो खेल गए, नहीं तो जीत जाती यार मेरे हिसाब से आराम से जीत जाती इसके इसके। लेकिन जो बैटिंग वो कहते हैं ना एजेस स्टार, और मैं कहता हूँ भैया बुढ़ापा कोई नंबर डिफाइन नहीं करता, बुढ़ापा आपकी सोच और आपके एक्शन डिफाइन करते हैं। बूढ़ा आदमी तो आप जैसे कह देते अबे क्या बूढ़े वाली हरकतें करता है, तो 20-25 साल के आदमी को भी कह देते क्यों, क्योंकि उसकी एक्शंस वो है। आप अपने एक्शन से बूढ़े कहलाते हो ना कि आपकी एज से। अब 50 साल का आदमी 40 साल का उसको बूढ़ा नहीं कह सकते जब तक कि वो फिजिकली फिट है हर तरीके से काम कर रहे हैं तो वो नहीं कह सकते। मेरा मतलब यही है कहने का, बूढ़ा जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि 35 साल का आदमी बूढ़ा, तो ऐसे तो सलमान खान को बूढ़ा कह लो, शाहरुख खान को बूढ़ा ही कहते रहो एक तरीके से, तो एज से नहीं कह सकते आप कभी भी। आप उस बंदे की पर्सनैलिटी से उसके व्यवहार से आप कहते हो मेरे हिसाब से, तो यही जस्टिफाई करूंगा मैं। नहीं तो ऐसे कहते वो भाई साहब वो कितना हॉट है 55 इयर्स के एज में भी, अब उसको अब क्या बोले बुड्ढा हॉट, वो सूट ही नहीं करेगा ये करेगा, अब क्या पर्सनैलिटी उस बंदे की। और धोनी वही प्रूव करते एज, मैं कह रहा हूँ लोग 40-42-43 की एज में भी खेलते क्रिकेट आराम से, ये आता है मेहनत डेडिकेशन से। और मेरे को नहीं लगता कोई 40 का बंदा एज का बूढ़ा होता है, आपके एक्शंस होते हैं। बूढ़ा कहने को तो भाई मेरे को कहते मेरे बाल सफेद हो गए थोड़े थोड़े, तो सफेद बाल होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। मिलते हैं और वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।